वेलकम बैक। तो अभी हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में अभी देखेंगे कि मूवमेंट्स ऑफ जॉइंट्स हम लोग शुरू किए थे, तो मूवमेंट्स ऑफ जॉइंट्स में अब देखेंगे हम लोग नी जॉइंट और फुट और एंकल का देखेंगे। लास्ट में हम लोग हिप जॉइंट का डिस्कस किए थे, अभी देखेंगे हम लोग नी और फुट एंकल। तो नी मतलब घुटना, तो घुटने में बहुत एज कम्पेयर टू आपका हिप जॉइंट, घुटने में बहुत सिंपल मूवमेंट्स होते हैं। मूवमेंट्स क्या है, घुटने को हम लोग देख सकते हैं, घुटने को क्या करते हैं, घुटने को मोड़ सकते हैं या सीधा करते हैं, बस यही मूवमेंट है और कुछ नहीं मूवमेंट होता है। तो घुटने को जैसे इस पोजीशन में अगर मैं घुटने को सीधा करता हूं तो ये है मेरा सीधा करना, या इसको एक्सटेंशन बोलते हैं, EXTENSION, ठीक है ना, एक्सटेंशन। और इस पोजीशन से सीधा घुटने से मैं घुटने को मोड़ता हूं, अगर मोड़ता हूं पूरा मोड़ लो जितना मोड़ेगा, तो ये मेरा फ्लेक्शन। तो फ्लेक्शन मतलब मोड़ना, घुटने को मोड़ना, और एक्सटेंशन मतलब घुटने को सीधा करना। इसको मैं लेट के देखेंगे, लेट जाओ। देखो ये जब पोजीशन होती है, इस पोजीशन में आपका जब हम लोग सीधा लेटते हैं, इस पोजीशन में क्या होता है, घुटने को हम लोग सीधा रखे हैं, तो ये पोजीशन मेरा घुटना एक्सटेंडेड होती है या एक्सटेंशन पोजीशन है, पूरी तरह से घुटना मेरा एक्सटेंडेड रहता है। अब एक तो है कि इस पोजीशन से हम लोग घुटने को मोड़ सकते हैं, ये पोजीशन में घुटना मोड़ गया तो इसे हम लोग फ्लेक्शन बोलेंगे और ये मेरा एक्सटेंशन बोलेंगे। ये बहुत सिंपल तरीके से हो सकता है। दूसरा पलट जाओ, अभी भी देखो, अभी भी क्या होता है, घुटना जो है मेरा एक्सटेंड पोजीशन में सीधा ही है। अब मैं घुटने को अगर मोड़ता हूं ऐसे, तो ये हो गया मेरा घुटने का फ्लेक्शन, नी फ्लेक्शन, और ये मेरा नी एक्सटेंशन। तो अगर मैं पेट के बल पर लेट के मूवमेंट करता हूं, उसमें मेरा कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है, कोई रुकावट नहीं होती है। लेकिन अगर सीधा लेट के करते हैं तो थोड़ा बहुत रुकावट होता है, हम लोगों को पैर को उठा के मोड़ना पड़ता है। अगर उल्टा लेट के करूंगा तो एकदम बहुत फ्रीली मूवमेंट होती है। देखिए घुटना, ये फ्लेक्शन हो गया एंड दिस इज द एक्सटेंशन। तो ये दो ही मूवमेंट होती है मेरा घुटने में, एक होता है फ्लेक्शन, दूसरा होता है एक्सटेंशन, ठीक है। अब आएंगे हम लोग एंकल जॉइंट में और फुट में। एंकल मतलब टखना, तो टखने में क्या क्या मूवमेंट होती है, अब सीधा बैठ जाओ, ये जो पोजीशन है, ये पोजीशन है, ये है मेरा न्यूट्रल पोजीशन। न्यूट्रल मतलब ये मेरा स्टार्टिंग पोजीशन है। इस पोजीशन से जैसे ही मैं पंजे को ऊपर की तरफ लाता हूं, ये मूवमेंट है मेरा डॉर्सिफ्लेक्शन। ये मेरा डॉर्सिफ्लेक्शन मतलब पंजे को ऊपर की तरफ लाना, नॉर्मल पोजीशन से पंजे को ऊपर की तरफ लाना, ये मेरा डॉर्सिफ्लेक्शन। ठीक वैसा ही इसके ठीक विपरीत मूवमेंट होती है, ऑपोजिट मूवमेंट होगा, वो पंजे को मैं नीचे की तरफ लेके जाऊंगा, ये मेरा प्लांटर फ्लेक्शन। ये मेरा डॉर्सिफ्लेक्शन और ये मेरा प्लांटर फ्लेक्शन। तो डॉर्सिफ्लेक्शन एंड प्लांटर फ्लेक्शन, ये दो ही मूवमेंट मेरा एंकल जॉइंट में होती है, डॉर्सिफ्लेक्शन और मेरा प्लांटर फ्लेक्शन। ये एक क्लियर मूवमेंट है। दूसरा और क्या मूवमेंट होते हैं, देखो इस पोजीशन में, नॉर्मल पोजीशन में अगर मेरा पंजे को अंदर की तरफ मोड़ता हूं, मतलब मेरा ट्विस्टिंग ऑफ द फुट सो दैट द सोल फेसेस इनवर्ड, मतलब मेरा जो सोल होता है पैर का वो अंदर की तरफ मुड़ेगा, तो ये एक मूवमेंट होता है, इसे बोलते हैं हम लोग इनवर्शन। इनवर्शन इनवर्शन, तो दिस इज इनवर्शन, मतलब मैं अपने पंजे को अंदर की तरफ मुड़ता हूं, यह मेरा इनवर्शन। अब ठीक ऑपोजिट वे में अगर बात करते हैं, पंजे को बाहर की तरफ मुड़ता हूं, इसे बोलते हैं हम लोग इवर्शन, इवर्शन। तो एक हमारा इनवर्शन जो अंदर की तरफ मुड़ता है, जो बाहर की तरफ मुड़ता है वो हमारा इवर्शन। तो ये दोनों मूवमेंट भी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हम लोग जब स्पोर्ट्स की बात करते हैं, फिजिकल एजुकेशन बात करते हैं, तो इंजुरीज होती है, जहां पर भी मेरा इंजुरी होती है वो इंजुरीज में मोस्टली क्या है, पैर अंदर की तरफ मुड़ता है या बाहर की तरफ मुड़ जाती है खेलते खेलते। तो एक हुआ मेरा डॉर्सिफ्लेक्शन, एक हुआ मेरा प्लांटर फ्लेक्शन, उसके बाद मेरा इनवर्शन, अब उसके बाद मेरा इवर्शन। तो ये मेरा मूवमेंट हुआ एंकल जॉइंट में या टखने में। अब मूवमेंट होती है मेरा उंगलियों में, पैर की जो उंगलियां हैं, पैर की उंगलियों में, देखिए बहुत सिंपल मूवमेंट है, लेकिन बात है कि यहाँ पर जो मूवमेंट्स होते हैं ये मूवमेंट जनरली उतने काम का नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हम पैर से उतना फाइन मूवमेंट्स नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी मूवमेंट जानना जरूरी है।
सबसे पहले जो मूवमेंट होती है वो है मेरा यहां पर ये क्वेश्चन में है, ये मेरा मेटाटार्सल है और यहां पर मेरा फैलेंजेस है। तो मेटाटार्सल और फैलेंज में बीच में जो मूवमेंट होती है, जैसे ये मूवमेंट होता है, इसे बोलते हैं हम लोग फ्लेक्शन। मेटाटार्सल फैलेंजियल जॉइंट में मूवमेंट होता है फ्लेक्शन। यह मेरा फ्लेक्शन, इसमें एक उंगली को लेके दिखाता हूं, देखिए ये मूवमेंट, ये मूवमेंट इस जॉइंट में, यहां पर ये मूवमेंट, ये मेरा फ्लेक्शन और ये मेरा एक्सटेंशन। तो फ्लेक्शन और ये मेरा एक्सटेंशन, ठीक है। ऐसे बाकी उंगलियों में भी वही चीज होती है। फिर मेरा होता है मेरा इंटरफेलेंजियल जॉइंट, मतलब अब देखिए ये जो उंगली है, ग्रेटर टो जिसको ग्रेट टो बोलते हैं, इसमें दो ही फैलेंज होते हैं, इसलिए इसमें मेरा एक ही इंटरफेलेंजियल जॉइंट होता है, जबकि मेरा जो बाकी जो मेरा टोज होते हैं इसमें मेरा तीन तीन फैलेंज होते हैं, इसलिए यहां पर मुझे दो इंटरफेलेंजियल जॉइंट मिलता है, एक प्रॉक्सिमल और एक डिस्टल। तो यहां पर आईपी जॉइंट, यहां पर पीआईपी जॉइंट और डीआईपी जॉइंट, मतलब यहां पर दो होने के कारण एक मेरा प्रॉक्सिमल जो नजदीक में होता है शरीर का, एक डिस्टल मतलब दूर में होता है। तो यहां पर प्रॉक्सिमल डिस्टल मिलता है, लेकिन इसमें मुझे कोई प्रॉक्सिमल या डिस्टल नहीं मिलता है, यहां पर सिर्फ मेरा इंटरफेलेंजियल जॉइंट है। तो इंटरफेलेंजियल जॉइंट में भी ये मोड़ना होता है फ्लेक्शन और ये होता है मेरा एक्सटेंशन। तो मोड़ना फ्लेक्शन, ये मेरा एक्सटेंशन। यहां पर पीआईपी और डीआईपी जॉइंट में देखिए, यहां पर मेरा उंगलियों को मोड़ेंगे तो ये हो गया फ्लेक्शन और ये करेंगे तो ये हो गया एक्सटेंशन। तो जितने चार उंगलियां होती है, मतलब जो नंबर 2, 3, 4 और 5 डिजिट नंबर 2, 3, 4 और 5, ये चारों में पीआईपी और डीआईपी जॉइंट होते हैं और यहां पर सिर्फ मेरा आईपी जॉइंट एक इंटरफेलेंजियल जॉइंट होती है। तो यहां पर सब में मेरा फ्लेक्शन और एक्सटेंशन होती है। तो ये मूवमेंट होते हैं, बाकी कुछ फ्लेयरिंग होती है, मतलब उंगलियों को फैलाओ, उंगलियों को फैलाओ, मतलब हाँ थोड़ा फैलाओ, बाहर की तरफ फैलाओगे तो हल्का यहां पर जो है, क्योंकि मैं वही बोला हूं कि मेरा पैर की उंगलियों में उतना ज्यादा फ्री मूवमेंट्स या फाइन मूवमेंट्स नहीं होता है जितना मेरा उंगलियों में होते हैं, हाथ की उंगलियों में होता है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपका फ्लेयरिंग होती है। इस फ्लेयरिंग के चलते वो मेरा होता है एबडक्शन और ये जब उंगलियों के एक साथ लाते हैं वो होता है मेरा एडक्शन। तो एबडक्शन और एडक्शन ये मूवमेंट्स, हालांकि पैरों की उंगलियों में मूवमेंट्स होते हैं उतना बहुत बड़ा उसका भूमिका या रोल नहीं रहता है, लेकिन मेरा जो एंकल जॉइंट का मूवमेंट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरा नी जॉइंट का मूवमेंट वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और जैसे मैं पहले हम लोग देख लिए हैं हिप जॉइंट का मूवमेंट वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये तीन जॉइंट्स का जो मूवमेंट्स होते हैं, अलग अलग मूवमेंट्स होते हैं, ये हमारा पैर के मूवमेंट्स जब भी हम एक्टिविटीज करते हैं इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एक रोल प्ले करता है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में लिम्ब, अपर लिम्ब का जो मूवमेंट जॉइंट्स होते हैं उसका मूवमेंट डिस्कस करेंगे। ओके, तो सी यू देन टुडे, बाय।